अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, तो सफ़ार में एक दो दिन पहले सेल लगी हुई थी और बाज़ारों पे जाने वाली तो बिल्कुल हालात नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं घर पर ही ऑर्डर कर लूँ। अच्छा, तो मेरी मदर को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी ड्रेसेस को देखने की, तो उन्होंने ये ऑर्डर पहले ही रिसीव कर लिया। मैं घर पर नहीं थी और उन्होंने ये खुद ही खोल के सारे चेक कर लिए थे। नाउ लेट मी शो यू कि ये ड्रेसेस कैसे हैं। अच्छा, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये रहे ड्रेसेस, मैं आपको दिखाती हूँ ये हैं कैसे। एक मैंने ये वाला ऑर्डर किया है, पैकिंग बड़ी अजीब सी है कलर वाइज ये बाहर से। अच्छा, तो एक ये है और एक ये है, चार ऑर्डर किए हैं। अच्छा, चारों मैंने अनस्टिच ऑर्डर किए थे और वहाँ पर 20% ऑफ लगा हुआ था। अच्छा, इसमें से जो है दो ड्रेसेस जो हैं ये मेरे हैं, और एक ये है मेरी बहन का है और ये मेरी मदर का है। नाउ लेट मी शो यू कि ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो एक्चुअली में कैसे हैं। मैं इनको खोल के आपको दिखाती हूँ कम्प्लीटली, ये दिखने में जो हैं किस तरह से हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने ड्रेसेस मंगवाए थे और वो आए किस किस्म के हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के कुछ ही इश्यूज़ होते हैं, कुछ कलर्स हम लोग एक्चुअली में जो देख रहे होते हैं उससे कुछ लाइट होते हैं या उससे वो डार्क होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखाऊंगी, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था। अच्छा, तो पिक्चर्स में जो है ये ड्रेस जो है इस तरह से है बना हुआ। ठीक है, और मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के ये क्या है। ऐसा है, इस पे तो बड़े हुए लीव्स। अच्छा, जैसा ऑनलाइन ये दिखा रहे थे ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। अच्छा, आई थिंक ये शर्ट है। हाँ, ये इसकी शर्ट है और इसका मैं दिखाती हूँ ट्राउजर एंड द दुपट्टा। ये है इसका दुपट्टा। खुल जा भाई खुल जा, देखिए इसका बेटा कितना प्यारा है ना, बेटा बहुत प्यारा है इसका। ज़रा कुछ डिफरेंट है, गर्ल्स वगैरह अपने कुछ इस किस्म की ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। देखिए इसका दुपट्टा फाइनल लुक। अच्छा, ट्राउजर जो है वो इस तरह का है, यू कैन सी। अच्छा, वन मोर थिंग, देखिए इसके जो कलर है और जो मैंने इस टाइम पहना हुआ है ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है ना। थोड़ा सा ही फर्क है, तो इट्स मीन कि ये कलर भी पहनकर अच्छा लगेगा, शायद ये वाला कलर मेरा भी अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ये कैसा लग रहा है मुझे भी। अच्छा, अनदर थिंग इज डैट के इसकी जो प्राइस थी वो क्या थी ऑनलाइन मैंने जो देखी थी, इसमें ये है ना, खैरो मैं इसमें बता देती हूँ। हाँ, 2500 के, ठीक है। और ये वाला ड्रेस जो है ये आफ्टर डिस्काउंट जो है ये मुझे 2500 का मिला था, और मैं अब आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था, और ये जो मैं आपको दूसरा दिखाने लगी हूँ ये मैंने खुद के लिए मंगवाया था। अच्छा, इसकी प्राइस मुझे याद है और ये मैंने मंगवाया था 3000 का। अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ कि ये ड्रेसेस जो है, ये वाला ड्रेस जो है वो किस किस्म का है। अच्छा, तो ये वाला जो है कुछ इस तरह से है और ये सारा सेम प्रिंट ही है, और ये है इसके साथ का दुपट्टा। दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऑनलाइन, तो बस दुपट्टे की वजह से मैंने ये ड्रेस मंगवाया है। खाली ये देखें, पहन कर दिखाती हूँ, जब तक चीज़ आप पहन कर ना देखें। जैसे लोकल ड्रेसेस में आप जब ब्रांड में जाते हैं ना, क्या होता है कि वो आपको दुपट्टा जो है और डमी की तरह पहन कर, कमीज़ और दुपट्टा पहन के दिखाते हैं, कहते हैं बाजी जी ये देखें कितना अच्छा लग रहा है और आप ले लें। हम ना भी लेने का हमारा दिल हो ना, तो वो डमी बन के हमें दिखाते हैं और हमें ड्रेस जो है वो फ़ौरन से पसंद आ जाता है और हम ले लेते हैं। अच्छा, यू कैन सी द लुक, दुपट्टा इज रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को कौन से वाले जो ड्रेस हैं मेरे प्यारे लगे हैं, और कुछ आइडिया भी दिएगा किस तरह से मैं इसको डिज़ाइन कराऊँ, क्योंकि जो ड्रेस है जब तक हम उसको खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन नहीं करते तो वो ड्रेस अच्छा नहीं लगता। और हमने अगर ड्रेस किसी अच्छे दर्जी या टेलर या दर्जियानी से नहीं सिलवाया होता तो ड्रेस की सारी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाती है। सो हमें अपना टेलर भी
बहुत ही वाइजली डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा टेलर हो जिससे हमें स्टिच करें। अच्छा तो ये है इसके साथ का ट्राउजर और सेम ही है डॉटेड। आजकल फैशन में फिर से ये डॉटेड वाला आ रहा है, पहले भी कुछ साल पहले भी इस चीज़ का फैशन था, ये फिर से फैशन मेन हो गया। अच्छा तो ये है इसकी पिक्चर। सो ये हो गया परफेक्ट। एंड थर्ड थिंग इज मम्मा का ड्रेस। ठीक है, ये मैंने अपनी अम्मी के लिए मंगवाया था, उनको तो उनकी खुद तो कोई चॉइस नहीं होती है, उनको ज़्यादातर यही होता है कि भाई तुम लोग जो पसंद करोगे तो मैं पहन लूँगी। हमारी माएँ कितनी कोई अच्छी होती हैं कि वो हमारी पसंद से कोई भी ड्रेस पहन लेती हैं, और हम हैं कि हमारे नखरे ही नहीं ख़त्म होते, कोई और ले आए तो हमें पसंद ही नहीं आता और हम उसको चेंज कराने के चक्रों में होते हैं। स्पेशली मैं तो यही काम करती हूँ, आप भी ऐसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो समटाइम गिफ्ट भी खरीद ले लेती हूँ फ्रेंड से, तो उस पर अगर टैग शैग लगा हो ना तो मेरा बस यही काम होता है कि मैं उसको जाकर खुद से ही चेंज करा लूँ और अपने पसंद का ले लूँ। ठीक है, अच्छा ये सारे एक जैसे प्रिंट हैं, कोई बैक फ्रंट डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, मुझे नहीं पसंद तो मैंने ऐसा कि कोई भी नहीं मंगवाया, तो मैं आपको भी उस तरह से नहीं दिखाऊंगी। आप भी कहते होंगे सित्रा कितना कोई बोलती है, चुप्पी नहीं गरी में है ना। यारा एनू की मसला फिटिंग करो भाई दिखाने के लिए। इतने सेटिंग से हम पहनते नहीं, कपड़े तय लगा के रखते नहीं घर पे, जितने सेटिंग से हम इनको दिखा रहे। अच्छा तो अब फाइनली इसकी सेटिंग हो गई है। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा तो ये इसकी शर्ट है और कलर इसका जो है ऑनलाइन जो है वो इस तरह से आ रहा था, थोड़ा सा इससे ना ब्राइट था, लेकिन ये पिक्चर में इन्होंने थोड़ा सा डल दिखाया और एक्चुअली में कलर जो है कुछ इस तरह से। अच्छा तो शायद सिल के ये बहुत अच्छा लगे, मुझे जो है वो इतना कोई खास ही कलर नहीं लग रहा, लेकिन शायद पहन के ये कलर अच्छा लगे। अच्छा तो ये इसका सिंपल सा ही इसका ट्राउज़र है और ये है इसके साथ का दुपट्टा। हमारी अम्मियाँ भी ना वो भी ज़रा लाल रंग नहीं पहनेंगी, काले रंग नहीं पहनेंगी और ऐसा कलर नहीं पहनेंगी, वैसा नहीं पहनेंगी, तो इनके लिए ना कपड़े डिसाइड करना लेना बड़ा मुश्किल कोई काम लगता है मुझे। अपने कपड़े से ज़्यादा ना मैं अम्मी के कपड़ों के लिए कॉन्शियस होती हूँ, क्योंकि इनको कोई भी कलर या पसंद ही नहीं आ रहा होता। अच्छा तो ये है इसके साथ का दुपट्टा, ठीक है, और ये शर्ट है और ये इसका दुपट्टा है। इस पर कोई प्यारी सी लेसिस जैसे और बटन शर्ट लगे तो ये लेस भी ना बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा तो अब मैं आपको जो है आखिरी ड्रेस दिखाती हूँ, कॉलर ड्रेस। अच्छा तो ये मैंने खुद के लिए ही ऑर्डर किया था, उस टाइम मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अब घर आके मुझे थोड़ा सा इसका कलर जो है ना बड़ा कोई अजीब वरीब सा लग रहा है। क्योंकि मैंने ऐसा ना क्रीम कलर या ऑफ वाइट या क्या कलर है ये कोई एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मेरा ख्याल है कि इसको ऑफ वाइट कहेंगे, डार्क ऑफ वाइट। देखिए अब ये देखें ना, इनके ऑनलाइन ऑर्डर करने के ये मसले होते हैं। अच्छा देखिए ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया तो इसका कलर जो है वो इस तरह से आ रहा था, ठीक है, और अब देखें आया किस किस्म का, इस किस्म का आया, ठीक है। अब देखती हूँ किसी और को दे दूँगी, कोई लेता है तो मेरे से ले ले, या फिर मैं इसको खुद स्टिच करा लूँगी। अच्छा तो इसकी प्राइस मैं आपको बताना भूल गई, अक्सर मुझसे कमेंट लोग करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे प्राइस नहीं बताती। अच्छा ये प्राइस जो है इसकी है 2300 और इसकी 3000 है और इसकी जो है मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 2500। अच्छा ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी कैसे कैसे। अच्छा ये मैंने कुछ ऑनलाइन जो है फेमस किस्म के जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके जो ब्रांड्स होते हैं उन्हें अपने जो ब्रांड बनाए हैं उस पर मैंने ये इस किस्म के डिज़ाइन बहुत देखे थे, मुझे पसंद नहीं आते, मेरी बहन ने कहा कि ये तुम ऑर्डर कर लो अच्छा लग रहा है फूलों वाला, ठीक है। ये इस तरह से सारा हल है, ये सेम ब्रिटी है ना, हाँ बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, कहीं थोड़ा सा बॉर्डर शाइड आ रहा होगा मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल हल्का सा ही बॉर्डर आ रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। काश इसका कलर कुछ ज़रा जो है वो इस टाइप को तो ना ये बहुत अच्छा लगता मेरा ख्याल है, लेकिन शायद इनको ये कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा था तो इन्होंने ऐसा बना दिया। अब ब्रांड वालों की जो चॉइस होती है उसको कौन समझे। अच्छा दुपट्टा बड़े मज़े का लग रहा है, इसका दुपट्टा प्रिंट प्यारा है, शायद अच्छा लगे पहन के, नो आइडिया। अच्छा ट्राउज़र इसका बिल्कुल प्लेन है और इंशाल्लाह मेरा कुछ इरादा इसी तरह का ही है। और देखें चूड़ीदार पजामे का भी फैशन आ गया, लॉन्ग शर्ट बनाऊंगी और नीचे जो है वो मैं कोई क्यूलॉट शॉर्ट का जो स्टाइल बना हुआ है उस तरह से बना लूँगी, तो फिर ये कोई खूबसूरत नसीब हो जाएगा। है प्यारा है प्रिंट है ना, प्रिंट प्यारा है ना,
कलर जरा अजीब सा लग रहा है। अच्छा दुपट्टा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दुपट्टा देखें ये कोई इस तरह से, टन टन, दुपट्टा अच्छा लग रहा है। कलर शर्ट का कलर जरा अजीब सा है बट अच्छा लग रहा है ना। सो कैन सी कैसा लग रहा है। अच्छा तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि ये अगर मैं स्टिच कराऊंगी तो किस तरह के स्टिच कराऊं, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही स्टिच कराना चाहिए या मुझे किसी और डिज़ाइन में स्टिच कराना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अच्छा यार आप लोग वीडियोस मेरी देखते हैं मगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, जो जो देखता है वो लाइक भी किया करे साथ साथ, ठीक है ना। ऑर्डर्स नहीं है बता रही हूँ खाली। अच्छा सो इट्स अ लुक। अच्छा तो ये है इस लिहाज से। मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा आपको लगे, ये वाला अच्छा लगा है या ये वाला अच्छा लगा है या ये वाला अच्छा लगा है या ये वाला। अच्छा मुझे जो पर्सनली ना वो ये वाला ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा वाला ब्रांड जो है वो ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। अच्छा तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।